डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बिजनेस के बारे में आगे पढ़ेंगे। कल का टॉपिक बिजनेस एंड कंज्यूमर पे हम डिस्कशन किए थे, आज हम उसके आगे सेकंड पार्ट में उद्यमिता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता, उद्यमिता तथा स्वरोजगार। हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और स्वरोजगार क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वह एक मालिक होता है जो कि बिजनेस के लिए विचार लाता है, मार्केट में बिजनेस के लिए विचार लाता है कि हम किस तरीके से बिजनेस किया जाए। वह नए नए विचार और आइडिया उत्पन्न करता है, नए विचार लाता है और एक ढांचा तैयार करता है एक बिजनेस के लिए एक ढांचा तैयार करता है कि हम किस प्रकार से बिजनेस को किया जाए, तो डेवलप किया जाए। तो क्या करता है कि नए नए आइडियाज लाता है, विचार करता है कि हम कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में लाए जिससे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आए और हमें प्रॉफिट दे। तो एक प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो नए विचार को उत्पन्न करता है कि हम क्या लाए मार्केट में जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप हो, प्रोडक्शन हो और चले। तो क्या करता है, एक ढांचा तैयार करता है, एक नए विचार लाता है ढांचा तैयार करता है और उसी आइडिया के साथ नए नए व्यू लाता है, नया नया स्कीम लाता है, नई नई चीज़ें सोचता है, विचार करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एक एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करता है और उस विचार को एक ढांचा प्रदान करता है, या हम कह सकते हैं कि उद्यमिता एक व्यक्ति होता है जो हर समय आने वाली कठिनाइयों का सामना करता है। उद्यमिता वह व्यक्ति होता है जो हर समय आने वाली कठिनाइयों का सामना करता है। उद्यमिता क्या होता है, उस उद्यमिता जो होता है वो एक जो व्यवसाय को उत्पन्न करता है, मतलब विचार लाता है, नए नए आइडियाज लाता है और उस विचार को एक ढांचा प्रदान करता है कि हम क्या नई चीज़ें कर सकते हैं। उद्यमिता वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है, हम उसको सॉल्व करने के या सामना करने की कोशिश करता है। ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो हर समय रिस्क लेने के लिए एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता वो किस प्रकार से नई नई आइडियाज ला रहा है, किस प्रकार से वो कर रहा है,
वो मार्केट को देख के सर्वे करता है मार्केट में कि क्या चीज़ें हमें मार्केट में आवश्यकता है। अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि ये कैसे कब से लाया गया। इसमें हमारे एक वैज्ञानिक है जो कि इन्होंने कुछ अपने मत दिए हैं, रिचर्ड कैंटलिन। रिचर्ड कैंटलिन, रिचर्ड कैंटलिन नामक ने अपने बिजनेस आइडिया दिया जो कि उद्यमिता के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दिए हैं। उद्यमिता होता क्या है? उद्यमिता शब्द का उदय उद्यमिता शब्द का उदय मतलब आविष्कार 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फ्रांसीसी अर्थशास्त्री रिचर्ड कैंटलिन ने एक अपना मत दिया, प्रतिपादित किया कि उसके बारे में बताया अर्थशास्त्र में, मतलब इसको बताया कि उद्यमिता होता क्या है। उद्यमिता के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया कि यह 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री रिचर्ड कैंटलिन ने अर्थशास्त्र में उन्होंने अपना मत दिया कि वह साक्षी व्यक्ति होता है जो एक विशिष्ट समूह वह साक्षी व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह होता है जो जोखिम को सहन करता है और अनिश्चितता के लिए व्यवसाय करता है। इन्होंने क्या कहा कि वह साक्षी व्यक्ति का एक विशिष्ट समूह होता है जो अनिश्चितताओं के लिए, हम उसको गिराव कर देते हैं, इन्होंने जो अपना डिफिनीशन दिया है, इन्होंने कहा कि वह साहसी वर्ग व्यक्तियों का एक समूह होता है जो साहसी व्यक्ति एक विशिष्ट समूह होता है साहसी व्यक्ति एक समूह होता है जो जोखिम सहन करता है और अनिश्चितताओं का व्यवसाय करता है। तो इन्होंने क्या कहा कि साहसी वर्ग व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह होता है जो जोखिम सहन करता है और अनिश्चितताओं के लिए व्यवसाय करता है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो
एक उद्यम लगाना चाहता है वो क्या होता है, साहसी व्यक्ति होता है। मतलब हर समय प्रयास करने के लिए वो प्रयत्न रखता है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इसमें कोई भी हमें कोई दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती तो हम उसका सामना कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं रिचर्ड कंटिनेंट ने कहा कि साहसी व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कि हर समय जोखिम, जोखिम मतलब रिस्क लेने के लिए वो तैयार रहता है कि मैं कोई भी रिस्क, कोई भी दिक्कत आ जाएगी, कोई भी हमारे उसमें परेशानी आ जाएगी, बिजनेस डूब रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। अनिश्चितताओं का व्यवसाय करते हैं। अनिश्चित काल में मतलब कोई भी विपत्ति आ जाती है कंपनी पर, कुछ भी हो जाता है, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक, एक बिजनेसमैन ये अपने आप को सोचता है और अपने दिमाग में बैठा लेता है कि हमको जो भी चीज़ें मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी होती है हम उसका सामना करेंगे। और एक वैज्ञानिक ने अपना मत दिया है कि वह विकसित अर्थव्यवस्था में साहसी व्यक्ति वह होता है जो अर्थव्यवस्था में नवीनता लाता है। अलग एक वैज्ञानिक ने अपना मत दिया कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में उन्होंने कहा कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में साहसी व्यक्ति वह होता है, साहसी व्यक्ति वह होता है जो अर्थव्यवस्था में नवीनता लाता है, जो अर्थव्यवस्था में नवीनता लाता है। ठीक, तो एक अलग विद्वान ने अपना मत दिया कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में, विकसित अर्थव्यवस्था मतलब हमारा जो है विकसित अर्थव्यवस्था है, तो उसमें क्या करता है, एक विकसित अर्थव्यवस्था में साहसी व्यक्ति वह होता है, साहसी व्यक्ति वह होता है जो अर्थव्यवस्था में नवीनता लाता है। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी लाता है, नई नई खोज लाता है और नया चीज करने की कोशिश करता है। जब हमारा बिजनेस अच्छे ढंग से चलता है, देश विदेश तक हमारा माल सप्लाई होता है, तो हमें वहां से जो भी पैसा मिलता है तो हमारे देश का भविष्य जो है उज्जवल होता है और हमारा देश जो है और आगे विकसित होने की उस पर रहता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपका एक बिजनेस मैन के ढांचे पर चलता है, जो कि वो सोचता है कि हम कुछ नई चीजें करें। ठीक, तो ये दो अपना अपना मत दिए हैं। पहला है साहसी वर्ग व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह होता है। साहसी व्यक्ति मतलब जो परिश्रमी व्यक्ति है, जो कि हर समय कुछ करना चाहता है, अपने दिमाग से, अपने अपने बल से, अपने पूंजी से, अपने कर्तव्य से, अपने पढ़ाई से, अपने योग्यता से कुछ करना चाहता है, और वो एक समूह बनाता है, एक समूह बनाता है कि मैं ये करूँगा। अकेले कोई कार्य नहीं कर पाता है, तो उसके लिए लोग एक अपना कमेटी बनाते हैं, जिससे कि सबसे राय ली जाती है कि हम इस चीज़ को करने जा रहे हैं तो इसमें क्या, मतलब सबकी सहयोग लिया जाता है, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग होते हैं, तो उसमें सबका राय लिया जाता है कि कैसे किया जाए कि ये कंपनी हमारी चले। ठीक, तो एक विशिष्ट समूह बनाते हैं और उसमें क्या निर्णय लेते हैं कि जोखिम सहन करता है। मतलब कोई भी रिस्क, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी हमारे कंपनी के ऊपर कोई भी ऊपर से वो होता है कि हम नहीं चल रहा है, कंपटीटर आ गए हैं, हमारा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो उसके लिए वो प्रिपेयर होता है कि मैं जोखिम सहन करने के लिए प्रिपेयर रहूँगा, कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसको सहन करेंगे। ठीक, और अनिश्चितताओं का व्यवसाय करता है। अनिश्चित काल में कोई भी दिक्कत विपत्ति आ जाती है तो हम उसका सामना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश में इस समय विपत्ति आई कोरोना काल में, लोगों को रोजगार छूट गया, रोजगार नहीं रह गया, लोग भूखों रहने लगे, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो गरीबों को देखते हुए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने अन्न योजना ले दिया, लोगों को मतलब भोजन दिए, जिससे कि उनका अर्थव्यवस्था
मतलब सुधर ही रहे, भूखों ना मरे, ठीक। तो ये होता है अर्थव्यवस्था को करने के लिए। अब हमारी मेन अर्थव्यवस्था जो है वो बिजनेसमैन से चलती है। बिजनेसमैन जो होता है वो कभी जल्दी डूबता नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से लेके विदेशों तक उसका कारोबार होता है, बहुत दूर दूर तक उसका कारोबार फैला रहता है, और पैसा अर्निंग बाहर से भी होती है, यहाँ से मतलब इतना ज़्यादा होता है कि उनको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक। तो कभी भी हमारे देश में अगर विपत्ति आती है तो एक बिजनेसमैन से ही सहारा लिया जाता है, और एक बिजनेसमैन ही सहारा देता है कि हमारे देश को चलाने में, ठीक। तो ये होता है। और अगले विद्वान ने क्या कहा है, एक विकसित अर्थव्यवस्था में साहसी व्यक्ति वह होता है जो अर्थव्यवस्था में नवीनता लाता है। तो साहस, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं, तो आप हर समय आगे जाएंगे, ये प्रकृति का वो है, और मेहनती व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं होता है। तो हर समय आपको अगर कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कोई नई चीज़ें करना है, तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तभी ही आगे आप जाएंगे, अन्यथा आप पीछे हो जाएंगे, ठीक। तो हमने इसको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप 18वीं शताब्दी में रिचर्ड कंटिनन ने एक अपना मत दिया, जो कि उन्होंने कहा कि साहसी व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कि एक विशेष समूह होता है जो कि जोखिम को सहन करता है, ठीक। अब हम इसके आगे रिचर्ड कंटिनन ने और क्या कहा है उसके बारे में हम बताते हैं। रिचर्ड कंटिलन ने अपना मत दिया था, जो उन्होंने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है हम कोई बिजनेस करके। उन्होंने क्या कहा, एक प्रतिनिधि जो उत्पाद के साधनों को एक निश्चित मूल्य पर क्रय करता है। उन्होंने क्या कहा, रिचर्ड कंटिलन ने जो कहा वो कह रहे हैं कि एक प्रतिनिधि जो उत्पादन के साधनों को एक निश्चित मूल्य पर क्रय करता है, एक प्रतिनिधि जो उत्पादन के साधनों को जो उत्पादन के साधनों जो उत्पादन के साधनों उत्पादन के साधनों को एक निश्चित मूल्य पर क्रय करता है, 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 तथा भविष्य में उसका अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करता है, तथा भविष्य में एक अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करता है। ठीक है, रिचर्ड कंटिलन ने 18वीं शताब्दी में उन्होंने कहा कि उद्यमी व्यक्ति होता क्या है, उद्यमी व्यक्ति क्या करता है। उद्यमी व्यक्ति जो होता है उसे क्या होता है, पका पकाया माल चाहता है, ठीक। एक किसान जो है अपना खेती किसानी करके वो पैदा करता है और ले जाता है, वो बेचता है, ठीक। अब जब पैदावार ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम रहती है, और कम पैसे में उसको बिजनेसमैन जो है खरीदता है, ठीक। बिजनेसमैन उसको खरीद के स्टोर कर लेता है,
बिजनेसमैन स्टोर कर लेता है उसको, अब वो अनिश्चित काल में, ठीक। तो उन्होंने यही कहा है, एक प्रतिनिधि जो उत्पादन के साधनों को एक निश्चित मूल्य पर क्रय करता है, एक निश्चित मूल्य, जैसे हमारी जो पैदावार है सीजन बाय सीजन होती है, अब वो एक निश्चित मूल्य पर सरकारी रेट पे वो बेचा जाता है, ठीक। किसान उसको सरकारी रेट पे बेचते हैं, अब उसको क्या है कि जो बिजनेसमैन है उसको परचेस कर लेता है, एक निश्चित मूल्य पर उसने खरीद लिया, ठीक। अब उसने अपना स्टोर रख लिया, स्टोर कर लिया, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ता है उस चीज़ की आवश्यकता बढ़ती जाती है, हमारे देश में मतलब उस चीज़ की कमी हो जाती है, क्योंकि उत्पाद कम होता है और उसको यूज करने वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक। तो उसको हम स्टोर करके जो बिजनेस में रखा है, अब उसी पे वो दिमाग लगा के बिजनेस करता है, ठीक। वही चीज़ कह रहे हैं कि एक प्रतिनिधि जो उत्पादन के साधनों को एक निश्चित मूल्य पर क्रय करता है, एक निश्चित मूल्य पर, जो कि समय सीमा बनी है कि इतने में ही परचेस किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, निश्चित मूल्य पर परचेस करता है, खरीदता है, और भविष्य में, भविष्य में मतलब जब उसको देख रहा है कि हमारे माल की कीमत बढ़ गई, तो भविष्य में अनिश्चित मूल्य पर, अनिश्चित मूल्य कोई उसका मूल्य नहीं है, उस पर वो क्या करता है, विक्रय करता है, तो उसका फायदा हुआ, ठीक। ये बिजनेसमैन का यही फायदा है कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आप हर समय प्लस में रहेंगे, आप कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे, कभी कभी रेयर केस में हो जाता है कि घाटा लग जाता है, अन्यथा हर समय आप पॉजिटिव ही रहेंगे, निगेटिव नहीं जाएंगे। अर्थात उद्यमता जोखिम पूंजी व्यवसाय करता है, उद्यम के लिए नवीन विचार लाता है, उदय करता है, ढांचा प्रदान करता है, ठीक। तो उन्होंने यही कहा कि एक बिजनेसमैन जो होता है, एक इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, उद्यमी जो होता है, वो नए नए आइडिया, नए नए विचार लाता है, और वह हर समय एक अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है, और वह जो है हर समय फायदे में रहता है, ठीक। तो वो अपने समय को नुकसान मतलब समय को कभी वेस्ट नहीं करता है, समय को देखते हुए सीजन बाय सीजन उसने क्या करता है कि निश्चित मूल्य पर कोई भी चीज़ खरीद लेता है, और वह भविष्य में अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करता है। भाई लोगों की आवश्यकता है, लोग उसको परचेस करेंगे, तो वो एक अच्छे रेट पे बेचता है। जैसे सीजन में अभी आपका 1500 में आपका गेहूं है, ठीक। जैसे जैसे सीजन ऑफ होता है उसका रेट दोगुना हो जाता है, अब लोगों की आवश्यकता है तो कहाँ से जाएंगे, वो जाएंगे बिजनेसमैन के पास, उससे परचेज करेंगे, तो उतना कॉस्ट उनको देनी पड़ेगी, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसमें फ़ायदा किसका हुआ, बिजनेसमैन का। अभी फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल है कि लोग किसान सब्जी पैदा करते हैं, सारी चीज़ें उगाते हैं, और वो लेके जाते हैं मंडी में, सीधा पका पकाया मंडी में ले गए, अब किसान बेचारा इतना मेहनत करके ले गया, उसके बाद वहाँ पे जो होते हैं बिजनेस करने वाले जो होते हैं उसको क्या करते हैं, वो कम रेट पे परचेज कर लिए, अब किसान भी सोचता है कि बेच के चलो, क्या यहाँ पे समय वेस्ट किया जाए, तो वहाँ पे अब उसको जल्दी है, वो लोग अपना रेट फिक्स करके बेच लिए, अब पर जो बिजनेसमैन हो ले लिया, भाई उसको वहीं दिन भर रहना है, वहीं से बिजनेस उसको करना है। जैसे कि हम बिजनेस को बता दिया है कि आदमी जीरो से स्टार्ट करता है और बहुत ऊंचे पावदान पे जाता है, ठीक। एक लेवल होता है जीरो से स्टार्ट करता है बिजनेसमैन, और धीरे धीरे वो ऊंची पावदान पे जाता है, ठीक। तो बिजनेसमैन जो होता है वो देखता रहता है कि कहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो हर समय प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो प्रॉफिट, हर समय प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है कि कहाँ पे हमें दो पैसा अधिक, वो तुरंत अगर दो पैसा पा रहा है तुरंत बेचने की कोशिश करता है, ठीक। अब किसान से परचेस कर लिया, अब वो देख रहा है भाव जब टाइट हो रहा है बेच रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही वो बिजनेस करता है, ठीक। तो वही चीज़ कह रहा है कि एक प्रतिनिधि जो उत्पादन के साधनों को एक निश्चित मूल्य पर क्रय करता है,
और भविष्य में एक अनिश्चित मूल्य पर उसका विक्रय करता है। ठीक, तो हम इससे यही आंकड़ा लगाते हैं, वो करते हैं कि बिजनेसमैन जो हो, बिजनेसमैन होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, वो भविष्य में वो हर समय प्लस रहता है, कभी भी मतलब उसके पास पैसे की कमी नहीं रहती है, हर समय उसके पास पैसा रहता है। अर्थव्यवस्था, जब हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो हम बिजनेसमैन का ही सहारा लेते हैं, वही हमारी अर्थव्यवस्था को सही करता है, क्योंकि उसके पास हर समय पैसा होता है, वो उसका आदान प्रदान हर समय होता रहता है, प्रोडक्ट आपका मतलब यहाँ भी बिक रहा है, बाहर भी जा रहा है, तो वहाँ से भी पैसा आता है। तो एक बिजनेसमैन जो होता है हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लाता है और नवीनता लाता है, अर्थव्यवस्था में नवीनता लाता है, हर समय ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें वो हर समय नवीन मतलब नया करने की कोशिश करता है कि हमारे देश में ये चीज़ें नई नई आ रही हैं, तो नया नया वो हो रहा है, जैसे आपका पैसा उस लगा देते हैं शेयर मार्केट में लगा देते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन शेयर मार्केट में, तो वहाँ पे पैसा देश का पैसा मतलब ऊपर नीचे होता है निफ्टी से, तो उनको फायदा होता है। ठीक, तो इन्होंने रिचर्ड कंटिलर ने एक दिया, एक अपना मत दिया कि बिजनेस जो एक प्रतिनिधि होता है उत्पादन के साधनों का निश्चित मूल्य पर क्रय करता है, इसका अर्थ यही है कि हम एक निश्चित मूल्य पर, एक निश्चित मूल्य पर क्रय करते हैं और अनिश्चित भविष्य में हम उसको एक कोई मूल्य नहीं है उस पर हम बेचते हैं, तो फायदा किसका हुआ, बिजनेसमैन का हुआ। ठीक, तो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं यही करते हैं कि हम भविष्य में कोई भी चीज़ परचेस करते हैं और उसको बेचने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसमें फायदा होता है। और उन्होंने क्या कहा है, और इन्होंने कहा कि इसके लिए हमें रिक्स लेना होता है कि मान लो कोई हमें दिक्कत हो गई, प्रोडक्ट हमारा खराब हो गया, तो उसके लिए हमें वो लगाना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा कि कोई भी दिक्कत हमारे पास आती है तो कोई मतलब इसमें हम सहन करेंगे। उत्पादन के चार मुख्य बिंदु हैं, उत्पादन के चार मुख्य बिंदु, चार मुख्य बिंदु हैं जिसमें आपको कोई भी उत्पाद आप लगाने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी चीज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है चार चीज़ों की, मुख्य चार चीज़ों की, जैसे भूमि है श्रम है और आपकी पूंजी है और उद्यमता है, पूंजी है और उद्यमता। तो उद्यमता एंटरप्रेन्योरशिप जो है, रिचर्ड पॉन्टिलॉन ने 18वीं शताब्दी में इन्होंने कहा कि हम निश्चित मूल्य पर कोई चीज़ परचेज करते हैं और अनिश्चित काल में हम उसको बेचते हैं, अनिश्चित काल में हम एक भविष्य में अनिश्चित मूल्य पर उसको बेचते हैं। अब उसके उत्पादन के मुख्य चार बिंदु हैं, जैसे हमें भूमि चाहिए, श्रम चाहिए और पूंजी चाहिए और उद्यमता चाहिए। ठीक, तो भूमि हमें कहीं भी कोई अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पे भूमि चाहिए कि हम कहाँ पे कोई कंपनी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें भूमि देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था है कि नहीं है, प्रॉपर वे में सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं और हम भूमि की व्यवस्था करते हैं। ठीक, उसके बाद श्रम, लेबर हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें लेबर, सबसे पहले लेबर की आवश्यकता पड़ेगी जो कि काम को करेंगे, तो
हमें प्रॉपर वे में वहाँ पे लेबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हम उसके लिए प्रॉपर ये तैयार करते हैं कि लेबर कहाँ से हमें मिले। ठीक, अब पूंजी, पूंजी हमें वो करना होता है कि सबसे पहले पैसा है, वो होता है पैसा, अगर है हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो पैसे की आवश्यकता होती है। तो और उद्यमता, हम किस चीज का व्यवसाय करने जा रहे हैं, इसका भी हमें वो करना होगा, सर्वे करना होगा कि हम वहां पे कौन सी चीजें इसका वो करें जिससे कि हमें हम व्यवसाय कर पाए। ठीक, तो ये चार महत्वपूर्ण, उद्यमता के उत्पादन के, उद्यमता उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो कि भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यमता है। भूमि हमें देखना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले जमीन का सर्वे करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम बिजनेस करने जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम बिजनेस तो कहाँ पे करने जा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। वो वहाँ पे सर्वे करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, और उसी हिसाब से हम वहाँ पे सर्वे करने के बाद हम उसको वो करते हैं कि बिजनेस को लगाते हैं, हमारा यहाँ बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, और हमें यहाँ पे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज भूमि, लैंड, लैंड सबसे पहली चीज भूमि, लैंड, जमीन हमें चाहिए। अगला है लेबर, लेबर चाहिए, और हमें पूंजी चाहिए, मतलब मनी चाहिए, और काम करने वाले लोग, एंटरप्रेन्योर। ठीक, जमीन चाहिए, ठीक, और हमें वहां काम करने के लिए लोग चाहिए, ठीक, और पैसा, पूंजी चाहिए, पूंजी चाहिए, और यहाँ पे विदेश करने वाले लोग चाहिए, कंपटीटर चाहिए, जो कि हमारे कार्य को उसमें सहभागिता निभाएं, लोग उसमें जुड़े, कहाँ से कौन सा कार्य हो रहा है। ठीक, तो जमीन की व्यवस्था करना पड़ेगा, श्रम लेबर जो कार्य करेंगे, और पैसे, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगा, और बिजनेस मतलब एंटरप्रेन्योर वो करना पड़ेगा कि कहाँ से लोगों को लाएं। ठीक, अब इसकी विशेषताएँ, उद्यमता जोखिम उठाने की प्रक्रिया है, और इसमें कैसे कैसे कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब हम ये चार चीज़ों को जब वो कर लेते हैं तो हमारा बिजनेस सक्सेस हो जाता है और चलता है। अब इसमें है आपका वर्क, फंक्शन, कार्य, कार्य किस तरीके से एक उद्यमी कार्य किस तरीके से करता है, उद्यमी जो भी कार्य करता है नए व्यवसाय अवसरों की खोज करता है। एक उद्यमी जो होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, वो न्यू चीज न्यू प्रोडक्ट की खोज करता है कि हम नया चीज लाए मार्केट में, जबकि जिसकी आवश्यकता है लोगों की, तो वो क्या कहता है, नई चीज सोचता है और खोज करता है, क्या करता है, सर्च करता है, कि हम कौन सा नया ऐसा प्रोडक्ट लाएं जो कि हमारे जो कि मार्केट में अभी उपलब्ध नहीं है और चले। ठीक, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप हर समय दिमाग में नए व्यवसाय के लिए अवसरों की खोज करता है, नए कि हम कोई नया चीज लाए जिससे कि हमारा बिजनेस चलता रहे, वो अवसर की खोज करता है, नए व्यवसाय को लाता है और अवसर की खोज करता है कि हम कोई नई चीज लाए जिससे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से चले, हमें कोई दिक्कत ना हो, और रोजगार का सीजन करता है, एम्प्लॉयमेंट का सीजन करता है। नंबर दो, एम्प्लॉयमेंट का सीजन करता है।
कि रोजगार पैदा करता है, लोगों को रोजगार देता है। एक अगर कंपनी लग जाती है तो वहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार का सृजन करता है। कि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ पे हमें बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। लेबर चाहिए और स्टाफ चाहिए, कुछ क्या कहते हैं, हर मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, तो सबकी वहाँ पे आवश्यकता होगी और हमें रोजगार मिलेगा। ठीक, अब उद्यम के लिए पूंजी की व्यवस्था, कोई भी उद्यम करने जा रहे हैं उद्यम के लिए पूंजी की व्यवस्था चाहिए। ठीक, ये हम आपका एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फंक्शन, ये फंक्शन है आपका, एक उद्यमता के लिए क्या क्या कार्य होना, क्या क्या कार्य होता है वो हम बता रहे हैं। कि एक एंटरप्रेन्योरशिप वो नए प्रोडक्ट के लिए सर्च करता है और रोजगार का सृजन करता है, एम्प्लॉयमेंट, नई नई चीज, नए नए रोजगार का वो सृजन करता है कि हम नए रोजगार आपको देंगे। उद्यम के लिए पूंजी की व्यवस्था करता है और निपुण विपणन व्यवस्था की स्थापना करता है, निपुण विपणन की आवश्यक वो करता है और साहस विकास कार्यक्रम में भाग लेता है। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक बिजनेस पे आधारित है। हम बिजनेस को किस तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं और सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम नई नई चीज़ों को लाएं और मार्केट में उसको इस्टेब्लिश करें, जिससे कि लोग उसको लाइक करें और प्रोडक्ट हमारे यूज करें। ठीक, तो ओवरऑल हम इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो, जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है वो एक सर्चर होता है कि हम सर्च करके मार्केट में कौन सा ऐसा नया चीज़ लाएं, विचार करता है, आइडियाज लाता है और सर्च करता है कि हम कोई कौन सा ऐसा नया प्रोडक्ट लाएं मार्केट में, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट आराम से चलता रहे, कभी भी कोई दिक्कत ना हो। तो यही वो करता है कि हम उसमें वहाँ के लोगों का भी फायदा होता है, लोगों को रोजगार मिलेगा और बिजनेस के अवसर बढ़ेंगे। ठीक, बिजनेस के अवसर बढ़ेंगे और आपको सारी चीज़ों की सुविधाएं मिल जाती हैं। एक कंपनी अगर इस्टेब्लिश होती है हमारे देश में तो बहुत सारे चीज़ों का वहाँ पे विकास होता है, एजुकेशन का विकास होता है, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और वहाँ पे नौकरी करेंगे, टेक्निकल हो गया, एजुकेशनल हो गया, सारे मतलब एक कंपनी में सारे विभाग की आवश्यकता पड़ती है, सारे क्वालिफाइड, सारे क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, टेक्निकल हो गया, एजुकेशनल हो गया, सारे लेबर हो गया, सबकी आवश्यकता वहाँ पे होती है। अगर कोई कंपनी इस्टेब्लिश होती है, अगर वो चल रही है कायदे से, तो वहाँ पे सारे स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो उद्यमता ओवरऑल होता है कि नए नए विचार लाना, नए नए शब्दों का प्रयोग करना, नए नए विकास के साथ हम एक बिजनेस को लगाते हैं और उसमें नए नए चीज़ लाते हैं। और अब यहाँ क्या है, उद्यमता जो होता है वो हर जगह वो होता है, विकसित हो या विकासशील देश हो, वहाँ हमें उद्यमी जो होता है वो हर समय अपने विकास के बारे में ही सोचता है। जब हम कोई चीज़ नई लाते हैं मार्केट में तो उसका क्या होता है, विकास होता है मार्केट में, और वो चीज़ मार्केट में नई रहती है। अब उसको हम किस तरीके से मार्केट में प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक, कोई भी नए बिजनेस लाने के लिए हम विज्ञापन के द्वारा हम उसका प्रचार करते हैं। ठीक, कोई भी मार्केट में अगर बिजनेस ला रहे हैं तो क्या करते हैं, हम विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन से क्या होता है, लोगों को क्या होता है, जानकारी होती है और उसकी विशेषता के बारे में पता चलता है। ठीक, हम अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोगों तक कैसे बात को पहुंचाएंगे,
विज्ञापन के माध्यम से, हम विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक बात को पहुंचाएंगे। ठीक, न्यूज़पेपर हो गया, आपका टीवी हो गया, ऐड देते हैं विज्ञापन। अब विज्ञापन से क्या होता है, विज्ञापन से क्या होता है कि लोगों को जानकारी होती है, लोगों को जानकारी होती है कि किस चीज़ का ये ऐड है, किस चीज़ की कंपनी है, किस चीज़ का प्रोडक्ट है जो कि हमारे काम में आएगा। ठीक, वो विज्ञापन के माध्यम से हमें पूरी जानकारी, पूर्ण जानकारी देता है कि ये आप इसको अगर यूज करते हो तो आपको ये फ़ायदा होगा, आपको ये चीज़ फायदेमंद है, और उसके विशेषता के बारे में पता चलता है कि वो किस, मतलब क्या हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, उसकी विशेषता के बारे में वो बताते हैं, जिससे कि लोग प्रभावित होते हैं, आदमी ऐड से प्रभावित होता है और उस प्रोडक्ट को परचेज करता है और उसको खरीद के एक बार यूज करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, प्रोडक्ट में एक बिजनेस एक कंपनी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो लोगों को जानकारी उसके बारे में नहीं होता है, तो हम उस प्रोडक्ट को जानकारी देने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड निकालते हैं, विज्ञापन करते हैं कि जिससे कि लोगों को जानकारी हो। अब विज्ञापन के माध्यम से लोगों को क्या होता है, जानकारी होती है, उनको जानकारी प्राप्त होती है कि ये प्रोडक्ट है क्या, किस लिए आया है, क्या इसकी आवश्यकता है, हमारे आवश्यक का है कि नहीं है, तो उसके बारे में वो क्या करता है, उसकी विशेषता को बताता है। विज्ञापन जो है जानकारी देता है प्लस उसकी विशेषता को बताता है कि ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे तो आपको इतना फायदा होगा। ठीक, तो विज्ञापन के माध्यम से हमें पता चलता है कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, तो उससे हमें फायदा होता है और हम उसको परचेज करते हैं। जब परचेज करते हैं, एक बार फायदा होता है तो हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, जब लोगों को बताएंगे तो लोग भी उसको यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तो प्रोडक्ट जो है ज़्यादातर मात्रा में बिकेगा और हमारा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो लोगों को फायदा होगा, और जब कंपनी का फायदा होगा तो लोगों का फायदा होगा, सारे इम्प्लाइयों का फायदा होगा, सारे कर्मचारियों का फायदा होगा, तो कंपनी ओवरऑल आगे ही जाएगी। तो एक बिजनेसमैन जो होता है वो ओवरऑल अर्थव्यवस्था को सुधारता है, एक बिजनेसमैन पूरे अर्थव्यवस्था को सुधारता है, क्या करता है कि अर्थव्यवस्था में नवीनता लाता है। हर समय बिजनेसमैन जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा इकट्ठा होता है, और वो नए नए आइडियाज़ के साथ, नए नए व्यवस्था के साथ वो नए नए प्लान लाता है, नए नए बिजनेस स्टार्ट करता है, और अपना नया नया विचार सोचता है और नया चीज़ करने की कोशिश करता है। अब हम एंटरप्रेन्योरशिप को इसमें, इसके पार्ट हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम चर्चा किए हैं ये, और इसको ओवरऑल बता देते हैं कि ये मेन चीज़ होता क्या है, कि इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप वो उद्यम को बढ़ाता है और मार्केट में नया नई चीज़ लाता है और उसमें लोगों को रोजगार देता है। ठीक, इसी के साथ हम आज इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। धन्यवाद।